एक्सपीरियंस। इस कहानी में हमने अब तक देखा कि बात पुलिस तक पहुंचने वाली थी, पर जब अनाया को इस बारे में पता चला तो उसने अपने कॉन्टेक्ट लगाकर सब अपने कंट्रोल में ले लिया और शेखर और विवान को कोई पहचान न पाए, इसलिए उसने सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की थी। अनाया उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता देख उनको माफ करती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को जो काम सोफा था वो हो गया। उस पर वो दोनों अपना सिर ऊपर करके कहते हैं, अनु तुमने कुछ कहा है और हमने नहीं किया, ऐसा कभी हुआ है क्या? शेखर अनाया की तरफ देखकर कहता है, वो इस वक्त टॉर्चर रूम में है, मारिया उसकी अच्छे से खातिरदारी कर रही है। ये बोल के दोनों ही हंसने लगते हैं। ये सुन के अनाया के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आती है। वो वहां से उठकर उस महल में बने टॉर्चर रूम की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे शेखर और विवान भी जाते हैं। जब वो तीनों ही टॉर्चर रूम में एंटर करते हैं तो उस रूम का नजारा देख तीनों ही अपने जगह पर शोक में खड़े होते हैं। अनाया जल्दी ही अपने होश में आती है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद ही खतरनाक थे। अगर कोई उसको ऐसे देखता तो किसी को भी विश्वास ही नहीं होता। जो मासूम और प्यारी अनाया थी, जो मित्तल मेंशन में रहती थी। अनाया अपने कोल्ड और रूड आवाज में कुछ कहती है जिससे सभी अपने जगह पर जम जाते हैं। अब तक अनाया, विवान और शेखर जब टॉर्चर रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने के नजारा देखकर विवान और शेखर की आंखें ही बाहर आने वाली थी। अनाया एकदम शांत दिख रही थी। उसे आगे क्या हो रहा है इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। विवान और शेखर दोनों ही अपना चेहरा घुमा के अनाया की तरफ देखते हैं, जो कि शांति से आगे का नजारा देख रही थी, वो भी बिना किसी इमोशन के। ये देख दोनों ही एक दूसरे को देख अपना सिर ना में हिलाते हैं। अंदर मारिया, अनाया की पर्सनल गार्ड, जो कि अभी 22 ईयर की थी, वो अनाया को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करती थी। वो एक साय की तरह उसके पीछे रहती थी। वो किसी के भी नजर में आए बिना अनाया को प्रोटेक्ट करती थी। जब अनाया उसको बुलाए या उसको उसकी जरूरत हो तभी वो उसके सामने आती थी। वो इस वक्त बेहद ही बेरहमी के साथ अपने सामने चेयर पर बदी औरत को टॉर्चर कर रही थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेगा राजावत थी, जिसने दोपहर को अनाया को बेहद बाला बुरा कहा था। अनाया ने ही मारिया को मैसेज कर, जैसे ही मेगा राजावत ने स्टो 14 वैसे उसको किडनैप करके इस हवेली में लाने जा ऑर्डर दिया था। मारिया ने भी अपने बॉस का ऑर्डर बखूबी निभाया था। उसने मेगा की सारी बातें सुन ली थी। साथ में उसने मेगा के आंखों में अनाया के लिए नफरत और जन से मर देने का इरादा देखा, तो जो उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मायरा अनाया को अपनी छोटी बहन मानती थी। वो लोग आपस में बेहद हंसी खुशी रहते थे, पर काम के टाइम सब अनाया से काफी डरते थे। उस वक्त अनाया उनकी प्यारी अनु नहीं बल्कि बॉस बन जाती थी। उसको अपने काम में कोई गलती पसंद नहीं थी। मेगा जब अनाया की इंसल्ट कर रही थी, उस वक्त मारिया भी वहीं पर मौजूद थी। वो अनाया को छुपकर प्रोटेक्ट कर रही थी। उसे मेगा राजावत की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। पर उसने ठान लिया था, एक बार मेगा राजावत यहाँ से बाहर जाए तब उसको अच्छे से सबक सिखाएगी। उसकी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हुई। अनाया ने उसको मैसेज करके मेगा राजावत को उठाने को कहा था। मारिया भी बिना देरी किए अपने काम पर लग गई थी। जैसे ही मेगा राजावत एआर ज्वेलरी शॉप से निकली, मारिया भी उसके पीछे छूकर जाने लगी। कुछ ही दूर जाने के बाद सुनसान जग पर मारिया ने मेगा राजावत को बेहोश कर हवेली लेके आ गई। उसके बाद उसने अपनी सारी बुरास उस पर निकली। उसने उसको बेहद ही बेरहमी से टॉर्चर किया था। अब तक मेगा राजावत करीब करीब 5 बार बेहोश हो गई थी। उसकी हालात बेहद ही खराब थी। उसके पूरी बॉडी पर कट के निशान थे, जिसमें से खून पानी की तरह बह रहा था। उसकी देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाए। अनाया ये सब देख के भी खुश नहीं थी। वो अंदर आकर मारिया से कहती है, मिस्टर मारिया का शॉर्ट फॉर्म, अनाया उससे इस नाम से पुकारती थी, लगता है तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गई हो या तुमको इस पर दया आ गई है जो तुमने इतना ही टॉर्चर किया है। अनाया के वर्ड जैसे ही विवान और शेखर के कान में पड़े तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में
एक दूसरे से कहते हैं अगर ये कम टॉर्चर है तो ज्यादा क्या है। अभी ही उस बिचारी की हालत अधमारी हुई है और इस छोटी शैतान को ये काम लग रहा है। शेखर कहता है अब ये शैतान इसका क्या हाल करेगी, भगवान ही बचाए इसको इस छोटी शैतान से, पर इसने भी बुरा ही किया है, इसको क्या जरूरत थी छोटी शैतान से उलझने की, अब भुगते हमको क्या। दोनों ही एक दूसरे से सहमत होके अपना सिर ना में हिलाते हैं। मारिया तो अनाया के आवाज से डर ही गई थी, लेकिन खुद के डर पर काबू करके वो अनाया की तरफ देख कर कहती है, अनु अगर तुम कह रही हो तो ये कम ही टॉर्चर है, मुझे भी लग ही रहा था, अब क्या करना चाहिए। वो सोचने लगती है पर वो आगे कुछ सोच पाती या करती उससे पहले ही अनाया की कोल्ड आवाज उसके कान में पड़ती है, जिसे सुन सब अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। चैप्टर 27 मिसिंग। चैप्टर 28 रिपीटेड। अनाया अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, मारिया इस पर ज्यादा दया दिखने की जरूरत नहीं है, इस मेगा राजावत की सच्चाई तुम लोगों को पता चलेगी तो तुम लोगों को इससे नफरत हो जाएगी। अनाया की बात सुनकर मारिया, विवान और शेखर तीनों ही अनाया को कंफ्यूजन से देखने लगे। अनाया उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, वो अपने सामने बेहोश पड़ी मेगा राजावत की तरफ इशारा करके कहती है, विवान तुम कब से एक औरत को ढूंढ रहे थे जिसने तुम्हारे फ्रेंड को कुछ महीने पहले एक खोटे केस में फंसाया था, जिसमें सारे सबूत उसके खिलाफ थे, वो बेगुनाह था पर उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था, उसका परिवार भी उसको अपराधी समझने लगा था, जिसके बाद उसने जिंदगी से हरकर खुदकुशी की थी, तुम उसी औरत को ढूंढ रहे थे न जिसने तुम्हारे दोस्त को अपनी जान लेने पर मजबूर किया, उसको झूठे केस में फंसाया था। अनाया की बात सुनकर विवान उसकी तरफ असमंजस से देखकर कहता है, अनु उसका इससे क्या संबंध। अनाया उसके तरफ एक डेविल स्माइल पास करके कहती है, वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनाया बस इतना ही कह पाई, उसको बीच में ही रोक के शेखर कहता है, इसका मतलब वो औरत और कोई नहीं बल्कि ये मेगा राजावत है ना। शेखर की बात सुनकर विवान अमाया की तरफ देखकर कहता है, अनु क्या ये बात सच है। अनाया बस अपना सिर हा में हिलाते हैं अनाया के कंफर्म करने से कि वो मेगा राजावत ही है। विवान को मेगा राजावत को जान से मरने का दिल किया, वो मेगा राजावत के चेयर के पास जाके वहां पर रखी ठंडी पानी की बकेट उठाकर एगा राजावत पर डाल दी। मेगा राजावत जो थोड़ी देर पहले ही दर्द के मारे बेहोश हो गई थी, वो अपने ऊपर ठंडा पानी पड़ने से धीरे धीरे होश में आती है, अपनी आंखें खोलकर सामने देखने की कोशिश करती है, पहले तो उसको कुछ ठीक से नहीं देखता, वो अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलती है तो उसको अपने सामने विवान दिखता है, जो गुस्से से उसको ही घूर रहा था, उसको उसकी आंखों में खुद को जान से मारने की इच्छा दिखती है, जिसे महसूस कर वो एक पल के लिए डर से कप जाती है। विवान उसको होश में देखकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में अनाया की आवाज आती है, जो उससे कह रही थी, वीआर रुको तुम क्या उसको इतनी आसानी से मरने वाले हो, उसको तो तड़पा तड़पा के मरना है, तुम अपने फ्रेंड की तकलीफें भूल गया क्या, उसने कितना सह होगा, सोचो उसको कितनी तकलीफ होगी कि उसने खुद को मारने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ। अनाया की बात सुनकर विवान अपनी जगह पर ही रुक जाता है, तब उसको अपने दोस्त की सारी तकलीफ याद आती है, वो उससे मिला नहीं था, विवान को तो कुछ भी नहीं पता था, जब उसको अपने दोस्त का लेटर मिला तब उसे उसके दोस्त के साथ क्या हुआ और उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया ये पता चला, उसको उस पर उस औरत पर बेहद गुस्सा आया, वो उस औरत को उसके किए की सजा देना चाहता था, इसलिए वो पिछले 6 महीनों से उसको ढूंढ रहा था, पर उसके हाथ में अब तक कुछ नहीं लगा था, पर अब जब अनु ने उसे बताया तब वो अपने सामने की औरत का खून करना चाहता था। उसको इस बात का बेहद अफसोस थी कि जब उसके बेस्ट फ्रेंड को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके पास नहीं था, उस वक्त वो और शेखर अपने किसी जरूरी काम से न्यूयॉर्क गए हुए थे, पर अब अफसोस करने का कोई फायदा ही नहीं था, अब तो बस अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना था।
शेखर आगे आके विवान के खड़े पर हाथ रखता है। विवान शेखर को देख के उससे गले लग जाता है। मारा भी विवान का सिर सहलाने लगती है। थोड़ी देर में वो तीनों नॉर्मल होके अनाया के पास खड़े थे। मेघा राजावत को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा उसके सामने क्या हो रहा है, पर जब वो अनाया को देखती है तो उसकी आंखों में नफरत नजर आने लगती है। वो अनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, यू बीच तो तुमने मुझको किडनैप किया है, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा मुझको जॉब से निकलकर? आखिर चाहती क्या हो तुम? अनाया उसको एक कोल्ड लुक देती है और अपनी रूड और ठंडी आवाज में उससे कहती है, वो क्या है नामेगा राजावत, मैं अपने दुश्मनों को खत्म करने में यकीन रखती हूँ, न कि उनको जिंदा छोड़ने में, ताकि वो मुझ पर फिर से अटैक करे। तुमको तो मैं बेहद खतरनाक मौत देने वाली हूँ, जिससे तुम फिर से अनाया मित्तल से पंगा लेने से 100 बार सोचो। अभी नहीं, तुम्हारे अगले जन्म में, इस जन्म में तो तुम मरने वाली हो। इतना कहकर वो खतरनाक मुस्कान उसको पास करती है, जिससे मेघा राजावत की रीढ़ की हाड़ी में कपकपी महसूस करती है। मेघा राजावत अपने डर को कंट्रोल करके उससे कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो, मैं फिर से तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी, मैं अपने किए की तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मेघा राजावत को अचानक ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देख के मारिया कहती है, तुम तो बेहद तेज हो, गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता। विवान कहता है, एक बार अनु तुमको जाने भी से, पर मैं तुमको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, तुमको मरना ही होगा। विवान की तरफ देखकर मेघा राजावत उससे कहती है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं तो तुमको जानती तक नहीं, आज ही देखा है तुमको मैंने, तो तुम मुझे मरने पर क्यों तुले हो? विवान उसकी बात का जवाब देते उससे कहता है, तुम मुझको नहीं जानती, पर मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। तुम आयुष शर्मा को तो जानती ही होगी ना? आयुष शर्मा का नाम सुनते ही मेघा राजावत घबरा जाती है। उसे सारी बातें याद आती है, उसने उस लड़के के साथ क्या किया था। वो डरते हुए उससे कहती है, तुम उसको कैसे जानते हो, उसने तो खुदकुशी की थी ना? विवान गुस्से के कहता है, हाँ उसने खुदकुशी की थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहता ही तुमसे। तुमको आज कोई नहीं बचा सकता, आज आयुष को न्याय मिलेगा। विवान की बात सुन के मेघा राजावत और भी डर जाती है। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, आज उसको अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। अनाया को मेघा राजावत की ऐसी हालत देख के बेहद सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसके पिछले जन्म में इस मेघा राजावत अनाया को बेहद टॉर्चर किया था। मेघा राजावत अनाया को किडनैप किया था जब उसने AR ज्वेलरी को डिजायर के रूप में ज्वाइन किया था, जिसके चलते ज्वेलरी बेहद पॉपुलर हो गई थी। बंद पहने के द्वार पर खड़ी कंपनी अचानक टॉप पर पहुंच गई थी, जो कि मेघा राजावत को मंजूर नहीं था। उसने AR ज्वेलरी इसीलिए ज्वाइन की थी कि वो उसे बर्बाद कर सके, पर जब उसको अपने सारे सपनों पर पानी फिरता नजर आया तो उसने ज्वेलरी डिजाइनर अनाया को किडनैप कर लिया। और जब उसको उसकी असली पहचान पता चली, वो और कोई नहीं बल्कि मित्तल खानदान की प्रिंसेस है, तो उसने उसको नींद टॉर्चर किया था। उस वक्त अनाया को अगर उसके डैड ने नहीं बचाया होता तो वो कब का मेघा राजावत के टॉर्चर से मर गई होती। इस वक्त उसको बचाते समय उसके डैड को गोली लगी थी, जिसे वो कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। अनाया को ये सब याद आता है तो उसको एह राजावत को जान से मर देने का ख्याल आया। वो इस जन्म में उसको यूं ही नहीं छोड़ सकती, ताकि वो फिर से उसके ऊपर और उसकी फैमिली पर अटैक करे। उसको जब मेघा राजावत ने किडनैप किया, तब उसको ये पता चला था कि मेघा राजावत ने ही विवान के फ्रेंड को छूते केस में फंसाया था, जिसके चलते उसने खुदकुशी की थी। इसलिए वो इस जन्म में मेघा राजावत के कर्मों की सजा उसको अपने हाथों से देने वाली थी। वो अपने बदले की शुरुआत मेघा राजावत से करने वाली थी कि कुछ कहता या करता। अनाया अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, मारिया इस पर 100 कोडो को मारो, इस काम में विवान भी तुम्हारी मदद कर सकता है। अनाया की बात सुनकर विवान और मारिया दोनों ही मेघा राजावत पर कोडो की बारिश करने लगते हैं। वो दर्द से
जोर से चिल्ला रही थी, खुद को बचाने के भीख मांग रही थी, पर उसके कर्मों के वजह से किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आ रही थी। मेघा राजावत 3 to 4 टाइम बेहोश हो गई थी। जैसे वो बेहोश होती वैसे शेखर उसके मुंह पर बर्फ से बड़ा ठंडा पानी डालता, जिससे वो होश में आ जाती थी। अनाया ये सब एक चेयर पर बैठ के आराम से देख रही थी। 100 कोड़ा मारने के बाद मेघा राजावत की हालत बेहद खराब हो गई थी। वो उरमाई हो गई थी। अनाया अब और अपना समय बर्बाद करने वाली नहीं थी, इसलिए उसने विवान को उसे एसिड के कंटेनर में डालने को कहा। उसकी बात सुन के विवान भी अपने चेहरे पे डेविल स्माइल लाके शेखर की मदर से मेघा राजावत को चेयर के साथ उठा के वहाँ मौजूद कांच के कंटेनर में डालता है। उसके बाद वो वहाँ मौजूद एक बटन प्रेस करता है, जिससे एसिड मेघा राजावत के ऊपर गिरने लगता है। उसकी खतरनाक चीखें उस रूम में गूंजने लगती है। अनाया विवान की स्पीड बढ़ने को कहती है। विवान स्पीड बढ़ता है, जिससे मेघा राजावत की चीखें और भी बढ़ जाती है। थोड़ी देर में उस रूम में मेघा राजावत की चीखें जो सुनाई दे रही थी वो बंद हो जाती है। मेघा राजावत मार चुकी थी, उसका पूरा शरीर एसिड से गल गया था। उस रूम का मंजर बेहद खतरनाक था। अगर कोई कमजोर दिल वाला होता तो वो वहीं पर हार्ट अटैक से ही मर जाता। पर अनाया विवान शेखर और मारिया के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। वो चारों ही उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अनाया की नजर जब घड़ी पर जाती है तो उसमें 4 बजे थे। तो अनाया उन तीनों का अपना ख्याल रखने को कहकर वहां से अपने मित्तल विला के लिए चली जाती है। शेखर उसके साथ उसकी छोड़ने के लिए जा रहा था। मारिया अनाया के साथ नहीं जा रही थी, क्योंकि अनाया मित्तल मेंशन में थी, वहां पर उसको कोई खतरा नहीं था। वैसे भी अनाया के सिक्योरिटी के लिए अनाया के डैड के और दादी के खास बॉडीगार्ड उसके साथ थे, तो मारिया को उसकी सेफ्टी को लेके कोई चिंता नहीं थी। शेखर अनाया को मित्तल मेंशन के बैक साइड छोड़ देता है, उसको अपना ख्याल रखने को कहता है। अनाया अपना सर हिला के वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अनाया जब अपने कमरे में पहुंच जाती है तब शेखर वहां से ग्रीन विला चला जाता है। अनाया अपने रूम में आके अपने कपड़े चेंज करके सो जाती है। अभी सवेरा होने में बेहद टाइम था। अगली सुबह अनाया की नींद बाहर से आती धूप के वजह से खुल जाती है। वो टाइम देखती है तो 7 बजे थे, तो वो जल्दी से फ्रेश होकर स्कूल के कपड़े पहनकर रेडी होकर नीचे चली जाती है। अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में रावि और अनाया दोनों ही अपने डेस्क पर बैठे सामने हो रही फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास अटेंड कर रहे थे। अनाया को सामने जो टीचर पढ़ा रही थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको पहले से ही फ्रेंच आती थी। उसको बेहद बोर हो रहा था, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देख के उसकी आंखें लाल हो जाती है। अनाया खिड़की के बाहर देख रही थी, तभी उसको बाहर गार्डन में सुरभि किसी से बातें करती हुई दिखती है। वो ध्यान से उस इंसान को देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि विक्रांत राजावत था, जिसे देखकर अनाया की आंखें लाल हो जाती है। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुट्ठी गट बात कर रखी थी, जिससे उसके नाखून उसके हाथ में चुभ रहे थे, जिससे अब खून निकलने लग रहा था। वो जब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती तो वो चालू लेक्चर में अपनी जगह से उठती है। उसको ऐसे अचानक उठने से सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। रावि भी हैरानी से उसको ही देख रही थी। सामने टीचिंग कर रही फ्रेंच की टीचर उससे कुछ कहती, उससे पहले ही अनाया उनसे कहती है, मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे घर जाना है। टीचर ने अनाया की लाल आंखें देख ली थी, इसलिए उनको लगता है अनाया सच में बीमार जाए, इसलिए वो उसको घर जाने की परमिशन दे देती है। अनाया रावि को श्याम को कॉल करके सब बताएगी, ये बोल के वहां से चली जाती है। वो जब स्कूल के गेट के बाहर आती है तो उसे वहां से विक्रांत राजावत की कार स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए दिखती है। वो स्कूल गेट से बाहर निकलकर एक टैक्सी कार के उस कार का पीछा करती है। विक्रांत राजावत की कार एक होटल के सामने जाकर रुकती है। श्रेया भी टैक्सी का किराया देके उस होटल के
अंदर चली जाती है। उसने इस वक्त अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। वो अपने फेस पर मास्क लगाकर उस होटल में एंटर करती है। वहां जाके वो देखती है कि विक्रांत राजावत इस होटल के प्राइवेट रूम में गया है, जिसका नंबर 345 था, तो वो भी उसके बगल वाला रूम बुक करती है। अनाया ने अपना स्कूल के यूनिफॉर्म की निकल दी थी, जिस अब वो एक स्कूल की लड़की है ये पहचाना मुश्किल था। वो अपने बुक किए हुए रूम में चली जाती है। उसके रूम की एक साइड की दीवार और विक्रांत राजावत की एक साइड की दीवार दोनों ही एक थी। अनाया उस रूम में जाके पहले तो वह बने वॉशरूम में जाके अपनी ड्रेस चेंज कर देती है। उसके बैग में हमेशा एक ड्रेस रहता था, अभी वही उसने पहना था और अपना कॉलेज यूनिफॉर्म अपने बैग में रख दिया। उसके बाद वो वहां लगे टेबल पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर वेटर आकर उसकी ऑर्डर लेके चला जाता है। अनाया अपने बैग से अपना लैपटॉप निकल कर टेबल पर रखकर उसको ओपन करके उसमें कुछ करने लगती है। इस वक्त उसकी उंगलियां तेजी से उस लैपटॉप पर चल रही थी और उसकी नजर चील की तरह लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कुछ ही समय में उसको जो चाहिए था वो उसके सामने था। अनाया ने अभी भी ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। वेटर आकर उसने ऑर्डर की हुए चीज टेबल पर रख कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनाया अपना मास्क निकल कर साइड नहीं देखती है। उसकी नजर इस वक्त उसके सामने रखे हुए लैपटॉप पर थी, जिसमें उसने अपनी इस होटल में एंट्री करने की फुटेज परमानेंटली डिलीट कर दी थी। अनाया अपने बैग से एक छोटा सा गैजेट निकलती है और उसको ऑन करके अपने रूम की खिड़की से बाहर रखती है। अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करती है। उसके बाद वो गैजेट अपने असली रूप में आ जाता है। गोल दिखने वाला छोटा सा गैजेट एक बटरफ्लाई में बदल जाता है। श्रेया उसको अपने मोबाइल से कंट्रोल करने लगती है। वो बटरफ्लाई वाला गैजेट उड़ाकर विक्रांत राजावत के रूम में जाके उस रूम में रखे शो के आइटम के बीच जाके बैठ जाता है। अनाया ने इसे किया था। वो गैजेट अनाया ऐसी जगह पर सेट कर देती है जिससे उसको उस रूम का सारा नजारा दिखाई दे रहा था। वो उस रूम में क्या चल रहा है ये सब अब अपने रूम में बातें बैठे अपने लैपटॉप पर आसानी से देख सकती थी। वो आराम से उसने मंगाया हुआ खाना खाते वक्त विक्रांत के रूम का नजारा देख रही थी। विक्रांत इस रूम में बैठ के किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर बार बार अपने घड़ी और डोर पर चली जा रही थी। वो बेहद ही डेस्परेट लग रहा था। वो किसी इम्पोर्टेंट इंसान का वेट कर रहा था। अनाया अपने बुक किए हुए रूम में खाना खाते हुए ये सब देख रही थी। उसको विक्रांत राजावत को इतना डिस्पेरेट ली किसी का इंतजार करते देख उसको भी देखना था कि ऐसा कौन आने वाला है विक्रांत से मिलने। वो अपने लैपटॉप पर विक्रांत की हरकत नोटिस कर ही रही थी कि तभी उसके रूम का गेट ओपन होता है। उसमें से थ्री लोग अंदर एंटर करते हैं, जिन्हें देख के अनाया के माथे पर बल पड़ जाते हैं। अनाया के रूम का गेट खुलता है और उसमें तीन लोग एंटर करते हैं और डोर फिर से बंद करके अनाया के सामने आकर उसके सामने की चेयर पर बैठ के तेबेक रखा खाना अपने प्लेट में डालकर खाने लगे। अनाया ने जब उनको ऐसे करते देखा तो पहले तो उसके माथे पर बल पड़ गए, फिर वो अपना सिर ना में हिलाकर अपना खाना एंजॉय करने लगी और साथ में उसकी नजर विक्रांत के रूम की लाइव फुटेज पर भी थी। वो तीनों पहले एक दूसरे को देखते फिर अनाया को, जिसने उनको कुछ नहीं कहा। वो तीनों ही उसने ऑर्डर किया हुआ खा रहे थे और वो तीनों ये अच्छे से जानते थे कि अनाया खाने को लेके बेहद ही स्ट्रिक्ट है। उसको अपना खाना किसी के भी साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो लोग उसके साथ ऐसा करते तो वो हमेशा चीड़ कर गुस्सा हो जाती थी, जिससे उसके चिक फूल कर लाल हो जाते थे, जिसे देख के उन तीनों को उस पर बेहद प्यार आता था। आज भी वो उसको वैसे ही देखना चाहते थे, पर हुआ उससे उलट। अनाया ने उन तीनों को ही इग्नोर कर दिया और आराम से अपना खाना खा रही थी और उसी के साथ उसका ध्यान अपने सामने रखे लैपटॉप पर था। उनमें से कोई भी कुछ कहता उससे पहले ही अनाया उनसे कहती है, इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, चुप चाप खाना खाओ। वैसे भी मैंने तुम तीनों को पहले ही मेरा पीछा करते हुए देख लिया था और तुम तीनों के लिए
पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी तुम तीनों कुछ ऐसा ही करने वाले हो। कपचाप, खाना खाओ। अनाया की बात सुनकर उनका ध्यान अपने सामने के खाने पर जाता है जहां पर उनको ढेर सारा खाना दिखता है जिसे देख के समझ जाते ये खाना पूरे 5 लोगों का है। उसे अकेले तो अनाया खा नहीं सकती थी। उन तीनों का पूरा मूड का बैंड बज गया था। उनका प्लान जो फ्लॉप हो गया था वो तीनों ही कप चाप अपना खाना खाने लगते हैं क्योंकि उनका फेवरेट ही था और उनको भूख भी लगी थी। वो तीनों और कोई नहीं बल्कि मारिया, शेखर और विवान ही थे जो कि अनाया के स्कूल के पास ही किसी काम से आए थे। तभी उन लोगों ने अनाया को स्कूल से बाहर निकल टैक्सी में कहीं जाते हुए देखा और उसने अपने बॉडीगार्ड को भी चकमा दे दिया था, इसलिए उनको उसकी फिक्र होने लगी। इसलिए वो तीनों ही उसका पीछे करते करते इस होटल में आ गए थे। मारिया अनाया से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनाया उसको हाथ दिखाकर चुप बैठने को कहती है और वो बड़ी ही ध्यान से अपने सामने रखे लैपटॉप पर देखने लगी। विक्रांत राजावत के रूम का गेट खुला और उस रूम में एक लेडी और उसके साथ और दो लोग एंटर करते गई। उन तीनों के चेहरे मास्क के पीछे ढके हुए थे जिससे उनको पहचानना मुश्किल था और उन तीनों को देखकर ये नहीं लग रहा था कि उनमें से कोई भी अपना चेहरे पर से मास्क हटने वाला था। अनाया खाना हो गया था इसलिए वो अपना लैपटॉप लेके उस रूम में लगे सोफे पे बैठ जाती है और उन तीनों की बीच की बातचीत सुनने लगती है। शेखर, विवान और मायरा जब ये देखती है तो वो दोनों भी अपने टेबल से उठ के उसके पास जाके बैठ जाते हैं। उनका भी खाना हो गया था। वो अनाया में पास जाके बैठते हैं और उसके लैपटॉप पर लगी फुटेज देखने लगते हैं। जब वो उस लैपटॉप पे विक्रांत राजावत को देखते हैं तो तीनों की आंखें लाल हो जाती है, पर खुद को जल्दी ही नॉर्मल करके वो भी उस फुटेज में आगे क्या होने वाला है वो देखने लगते हैं। वो उसके सामने की उस लेडी और दो लोगों के देखने लगते है। उनको वो कहीं देखे हुए लगते हैं पर कहा ये याद नहीं आ रहा था। ऊपर से उन तीनों ने मास्क पहना था जिससे उनको और भी मुश्किल हो रही थी उनको पहचानने की। मारिया ने अनाया से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अनाया उससे बाद में कहकर चुप होने को कहती है। वो विवान की तरफ देखकर कहती है वी आर मेरे बैग में जो गैजेट है वो निकलो और उसे एक्टिवेट करो और जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। विवान भी बात की सीरियसनेस को देखकर अनाया ने जैसा कहा वैसा करने लगता है। वो उसके बैग से छोटा सा 3 गैजेट निकलता है और उन तीनों को एक्टिवेट करके अनाया के सामने की टेबल पर रख देता है। अनाया अभी विक्रांत और उन तीनों की बातें सुन रही थी। वो तीनों ही कैसे मित्तल कॉरपोरेशन में एंट्री करने और कैसे अपने प्लान को अंजाम देना है यही सब डिस्कस कर रहे थे। उन लोगों की प्लानिंग सुनकर तो अनाया के साथ वो तीनों सुनकर सुन्न रहते हैं। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। उन तीनों जितनी अनाया हैरान नहीं थी क्योंकि उसको पहले से ही पता था ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये खुद उसने अपने साथ होते हुए देखा था, अपने फैमिली को अपने सामने ब्लास्ट में मरते हुए देखा था। ये सब इन सबके ही प्लान का हिस्सा था और अभी तो सिर्फ इनके प्लान की शुरुआत ही हो गई है। अभी तो बेहद कुछ होना बाकी था। अनाया की आवाज से वो तीन ही होश में आते हैं। अनाया विवान को वो तीनों गैजेट रूम की खिड़की के पास रखने को कहती है। विवान वैसा ही करता है जैसे अनाया कहती है। उसके बाद वो अनाया के पास जाके बैठ जाता है। अनाया इस वक्त अपने मोबाइल में उन तीनों गैजेट को कनेक्ट करके कुछ कर रही थी। उसके अपने मोबाइल के स्क्रीन पर स्टार्ट आइकॉन पर क्लिक करते ही वो तीनों गैजेट अपनी जगह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। वो तीनों ही गैजेट ने एक छोटी से बटरफ्लाई का रूप ले लिया था। वो तीनों ही फ्लाई करते करते किरण राजावत के सामने बैठे तीनों लोगों के सिर के पीछे वाले हिस्से में लिपट जाते हैं। उन गैजेट का रूप अब पूरा चेंज हो गया था। पहले वो बटरफ्लाई के शेप में थे पर जैसे ही उन तीन लोगों के सिर के नीचे अनाया उनको फिक्स करती है वैसे ही तीनों गैजेट के दम स्मॉल ब्लैक मोल की तरह उनके सिर के नीचे दिखते हैं जिससे किसी को भी शक ना हो या किसी के भी नजर में ना आए। ये सब श्रेया पानी मोबाइल से किया था।
ये सारे गैजेट खुद श्रेया ने ही डिजाइन किए थे और बनवाया था, इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता था। सिर्फ श्रेया के अलावा इनकी ट्रेस करना भी किसी के बस की बात नहीं थी। उन तीनों गैजेट इसे उन तीनों पर फिक्स हो गए थे कि ये उनके शरीर का ही हिस्सा हो, इस बात का उन तीनों को पता भी नहीं चला। अनाया बस उन तीनों के बारे में जानना चाहती थी। विक्रांत राजावत के बारे में तो उसको सब पता था, अपने पिछले जन्म में उसने इसके सारे कारनामे अपने मुंह से सुनते थे, पर वो इन तीनों से पूरी तरह अनजान थी। उसको विक्रांत राजावत के साथी दर और उसके दुश्मनों के बारे में जानना था। वो ये भी जानती थी कि उससे बेहद कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। अगर उसको फ्यूचर बदलना है, अपनों की जान बचानी है, उनको सेफ रखना है, तो उसको पहले खुद को स्ट्रांग करना होगा और साथ में ही अपने दुश्मनों का पता लगाकर हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहना था। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसका ध्यान विक्रांत राजावत की बातों से टूटता है, जो कि अपने सामने बैठे हुए आदमी से कह रहा था, अब बिल्कुल बेफिकीर रहो, मैं सब संभल लूंगा, सब रेडी है, अब बस एक बार और मित्तल मेंशन और कॉरपोरेशन में इस विक्रांत राजावत की एंट्री और उसके साथ ही उनके बर्बादी की शुरुआत होने वाली है। ये सुनते ही अनाया की आंखें आग उगलने लगी। उसका गुस्सा देख मारिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका शांत करने की कोशिश करती है। अनाया खुद को कंट्रोल करती है। उसके बाद वो विवान और शेखर की तरफ देखकर उन तीनों पर नजर रखो, मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी बात, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अनाया की बात पर दोनों ही उसका हाँ कहते हैं। उसके बाद वो मारिया की तरफ देखकर कहती है, तुम क्या कहना चाहती थी कुछ देर पहले? जिस पर मारिया कहती है, अनु मुझे उन तीनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने इनको कहीं तो देखा है। मारिया की बात पर विवान और शेखर भी कहते हैं, हाँ अनु हमको भी ऐसा ही लग रहा है, पर कहा ये याद नहीं आ रहा है। ऊपर से तीनों ने अपने चेहरे से मास्क को भी निकला, अगर निकाला होता तो जट से पहचान जाते, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे ये गैजेट अपना काम करेंगे। उसकी बात पर चारों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनको अनाया के गैजेट के बारे में बेहद अच्छे से पता था, इनके मदद से वो क्या क्या कर सकते हैं। विक्रांत राजावत और वो तीनों ही उस होटल से जा चुके थे। अनाया, शेखर, विवान और मारिया भी उनके जाते ही एपीए सामान समेत के वहां से जा चले जाते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।